दोस्तों नमस्ते, मैं तुषार, अपना ऑफिशियल आईटी चैनल गिटार गाड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर एक नया लेसन लेके। दोस्तों रोजा मूवी का नाम है, म्यूजिक डायरेक्टर है ग्रेट एआर रहमान, गाया है, ये ड्यूएट है दोस्तों, एक मेल सिंगर है एसपी बालासुब्रमण्यम ग्रेट सिंगर और फीमेल सिंगर है केएस चित्रा, वो भी महान सिंगर है दोस्तों। तो ये लेसन आज हम लोग करेंगे, ये ड्यूएट है दोस्तों। इसके लिए आज तक मैं थोड़ा अपलोड करने के लिए हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर ऐसा लगा मुझे कि मेरे जितना आपको भी ये गाना अच्छा लगता रहेगा, क्योंकि आपके जैसे मेरे भी पसंदीदा गानों की अगर लिस्ट बनाई जाए उसमें टॉप 3 गानों में से ये गाना पक्का आएगा दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं हमेशा की तरह कॉर्ड से, स्ट्रमिंग पैटर्न, उसके बाद देखेंगे कुछ बारीकियाँ, मतलब कुछ परेशानियाँ रहती है कॉर्ड शिफ्टिंग और कॉर्ड सिंग करने के टाइम पे, वो मैं आपको बताऊँगा और हम लोग उसके बाद गाना करेंगे दोस्तों। ओके, शुरुआत करते कॉर्ड से। दोस्तों ये वो गाना है जिसने मुझे मजबूर किया बार कॉर्ड्स पकड़ने के लिए, जैसा कि मैंने बताया आपको ये बहुत प्यारा गाना है, मुझे बहुत पसंद है और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैंने ये गाना गुनगुनाया है। आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि तहलका मचा दिया था एआर रहमान ने ये जब फिल्में आई थी, बॉम्बे, रोजा, हमसे मुकाबला, ओहो बैकग्राउंड म्यूजिक की परिभाषा ही बदल दी थी दोस्तों। तो आज हम लोग बड़े प्यार से ये गाना करेंगे, आपको अच्छा लगेगा मुझे गारंटी है, आखिर तक देखते रहना, सब्सक्राइब भी जरूर करना दोस्तों। कॉर्ड से शुरुआत करते, जैसा मैंने बताया ये गाने में 70% बार कॉर्ड्स है और 30% ओपन कॉर्ड्स है। इसके दो फायदे, सम्मिश्र गाना, मिक्स गाना है कॉर्ड्स के लिए, तो बार कॉर्ड की प्रैक्टिस आ जाएगी दोस्तों आपको। और दूसरी बात, ये गाने की जो ब्यूटी है ये बार कॉर्ड्स में ही बरकरार रहती है। तो आप सब बिगिनर से गुजारिश है मेरे जैसे, आप भी यही गाना पकड़ लो और इसके ऊपर ही बार कॉर्ड्स का अध्ययन पूरा कर लो दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते कॉर्ड से। देखो कॉर्ड्स टोटल 9 है दोस्तों, ज़्यादा घबराने की, टेंशन लेने की बात नहीं, मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। 4 माइनर कॉर्ड्स है, 4 मेजर कॉर्ड्स है, 1 सिक्स्थ कॉर्ड है। तो देखो माइनर कॉर्ड्स में सी माइनर जिस पे गाना शुरू करेंगे, जी माइनर, ये दोनों बार कॉर्ड, और माइनर कॉर्ड जो दो है वो इसमें एक है ए माइनर ओपन कॉर्ड और ई माइनर ओपन कॉर्ड। ये ओपन कॉर्ड का अलग ही मजा है, आखिर तक देखते रहना दोस्तों, क्या मजेदार किया है ए आर रहमान भी, ग्रेट कॉम्पोजिशन, क्लास करते। तो ये ओपन कॉर्ड जो है, भरा हुआ स्ट्रमिंग सुनने में कैसा लगता है, मेरी जाने जा जो एक फेमस पीस है ना जो चित्रा जी का, ओहो, तो उसमें आप एंजॉय करेंगे दोस्तों। तो ये जो कॉर्ड्स है माइनर हो गए। अब मेजर कॉर्ड्स में देखो, एफ मेजर बार कॉर्ड, जी मेजर बार कॉर्ड, सी मेजर बार कॉर्ड, थोड़ा बिगिनर से ऊपर है, लेकिन बिगिनर को कभी ना कभी तो एक्सपर्ट बनना ही पड़ता है, आज ही शुरुआत कर लो दोस्तों। और सी मेजर होगी, और है बी फ्लैट, ए शार्प मतलब बी फ्लैट, आप यह भी पकड़ सकते हैं, ऐसा भी पकड़ सकते हैं बी फ्लैट। ओके, और एक कॉर्ड है इंटरेस्टिंग जो नवी मैं आपको बोलता हूं, ये 4 माइनर कॉर्ड्स, 4 मेजर कॉर्ड्स और एक है ई फ्लैट सिक्स्थ कॉर्ड, जैसे हम लोग सी माइनर पकड़ते हैं ना दोस्तों। तो क्या करना है, पिंकी उठा के नेक्स्ट फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पे रखनी, ये होगी ई फ्लैट सिक्स्थ कॉर्ड, ये अंतरे में लगती है। स्ट्रमिंग पैटर्न देखते हैं दोस्तों, स्ट्रमिंग पैटर्न आसान सा आपको मैं बताता हूं, डाउन आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा स्ट्रमिंग में, क्योंकि स्ट्रमिंग जितना ज़्यादा बताया जाए उतना कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। स्ट्रमिंग एक ऐसी चीज़ है, एक सजेशन देके रखता हूँ दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे राइट परफेक्ट बताया आपने। देखो एक स्ट्रमिंग हैंड, एक फ्रीटिंग हैंड, एक दिमाग में टोन याद रखना है, मूवमेंट याद रखनी, दोनों की अलग अलग, आँखों का काम है, दिल का काम है, दिमाग का काम है, ये सब 7-8 चीज़ें एक साथ लगती है ना, तो ये कभी पॉसिबल नहीं दोस्तों कि अभी देख के आधा घंटे के बाद में मैं जाके करूंगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो कोई भी आपको स्ट्रमिंग पैटर्न बता रहा है, या यूट्यूब पे हो या कोई ट्यूटर आपके सामने हो, तो विद इन अ सेकंड आपको गिटार उठाना है और वही सेम कॉपी करना है जो आपने इमीडिएट देखा, क्योंकि एकाध दो सेकंड के लिए ये प्रोग्रेशन, ये सब पूरा जो कॉम्पोजिशन है ये याद रहता है,
एक लाइन याद रखते रखते हम लोगों को 3 दिन लगते हैं यार। तो ये सीधी सी बात याद रखना, स्ट्रमिंग पैटर्न पक्का करना है तो जो मिनट में आपको समझता है वो मिनट में आपको गिटार हाथ में लेना पड़ेगा। अब देखो पॉज करके गिटार ले लो और बाद में करके देखो, ये डाउन डाउन अप 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 डाउन, इतना 1 सेकंड का मैंने आपको जो बोला आपको जिंदगी भर याद रहेगा दोस्तों। अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, ये कॉर्ड समझ गए, स्ट्रमिंग पैटर्न समझ गए, अब शुरू करते हैं गाना। गाने में ऐसा तो ट्रिकी कुछ है नहीं, आप देखते देखते ही समझ जाएंगे, बहुत आसान सा गाना है। पहले 2 लाइन पे एक ही कॉर्ड है सी माइनर, गाना शुरू होता है सी माइनर पे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, बेल बटन का आइकॉन भी दबा के रखना सिलेक्ट ऑल के साथ में। ओके, क्योंकि कोई मैं अपलोड करूँ गाना या इंफॉर्मेशन तो आपको उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन मिले। चलो शुरू करते हैं गाना। हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ मेरे साजना, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ, तेरे दामन से खुशबू सा महके चमन, मरमर के जैसा ये तेरा बदन, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ मेरे साजना, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ, तेरे दामन से खुशबू सा महके चमन, संगे मरमर के जैसा ये तेरा बदन, मेरी जाने जा मैं तेरी चांदनी, छेड़ दो तुम आज कोई प्यार की रागिनी, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, ये हंसी वादियाँ हम कहा है मेरे जाने जा। कैसा लगा दोस्तों? आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा, प्रैक्टिस जरूर करना, कोशिश जरूर करना, और अच्छा लगा तो लाइक भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगले सैटरडे फिर नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।